दोस्तों, यूरोप के कंट्री का वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आप अल्बानिया के लिए अप्लाई करें। ई वीजा आपने अप्लाई करना, तीन स्टेप है। एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे, पेमेंट करेंगे और रिजल्ट का वेट करेंगे। 21 दिन में ई वीजा आपको घर बैठे मिल जाएगा। कितनी पेमेंट पे करनी है? सिर्फ $20 से $30। आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या आपने दुबई से अप्लाई करना, अफगानिस्तान से अप्लाई करना, $20 से $30 में आपको ई वीजा मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्बानिया का वीज़ा प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। 7,000 रुपये में सिर्फ आप अल्बानिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये एक यूरोप का कंट्री है, इस्लामी कंट्री है और ये ग्रीस और नॉर्थ मैकेडोनिया के साथ वाक़ है। तो मैप पर देखें, आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो विज़िट के लिए, ट्रैवल के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है, अच्छा कंट्री है, इस पर आप अप्लाई करें। 15 ऑफिशियल डेज इसकी प्रोसेसिंग है, तो ये तकरीबन 21 दिन बन जाते हैं। आपको ई वीज़ा घर पर मिलेगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़े की रिक्वायरमेंट्स क्या है? इसके लिए आपको कोविड टेस्ट नहीं चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चाहिए और क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा। पाकिस्तान से आप अप्लाई करते हैं तो वैलिडिटी 6 मंथ की है। ई वीज़ा सिंगल एंट्री का मिलेगा, तकरीबन $30, 7,000 रुपये लगते हैं। तो अब देखते हैं वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस इस वेबसाइट से आपने अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है। तो e-visa.ai, इस पर आपने लॉगिन करना है, अकाउंट बनाना है, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने ई वीज़ा अकाउंट बना लेना है। फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी नेशनलिटी है। इंडियन है, बंगाली हैं आप, पाकिस्तानी हैं या अफगानिस्तान से आप अप्लाई करते हैं। ईमेल एड्रेस डालें, पासवर्ड डालें और रिपीट कर दें पासवर्ड और रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आपने तीन स्टेप हैं, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, पेमेंट पे करेंगे और आप वेट करेंगे। फिर आपको रिजल्ट आपकी ईमेल पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, न्यू एप्लीकेशन। यहाँ से कौन गई एप्लीकेशन की अगर आपने ट्रैकिंग करनी है तो आप अकाउंट में साइन इन करेंगे, फिर आप अपनी एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हैं। कौन गई एप्लीकेशन को दोबारा से आप फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है आपने, तो वो यहाँ पर है। ये देखें, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर सबमिट करेंगे और ट्रैक के बटन पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का स्टेटस आपको मिल जाएगा। वो आप चेक करते रहें फ्रीक्वेंटली और न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखें कौन सा आपने सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा चाहिए या स्टैम्प वीज़ा चाहिए। तो दोनों में से आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सेलेक्ट कर लें और उसके बाद डिज़ायर्ड वीज़ा देखें, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा और हमारा उसका डिज़ायर वीज़ा होगा, यानी कि टाइप सी शॉर्ट स्टे वीज़ा, 90 डेज़, 180 डेज़ के अंदर 90 डेज़ का आप स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद आपने एप्लीकेशन देखें, ब्राउज टाइप वीज़ा टाइप है, ये एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते जाएंगे, अप्लाई करें। जिस टाइप का भी आपने वीज़ा लेना है, टूरिज़म का वीज़ा टाइप सी है देखें, और इसी तरह आप कोई और टूरिज़म वीज़ा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको इनवाइट किया गया तो वो भी इसी में आ रहा है, टाइप वीज़ा सी में, ठीक है। तो आपने यहाँ से आपने सेलेक्ट करना और अप्लाई पर क्लिक कर देना, फिर सिस्टम आपको लॉगिन पर ले जाएगा। अगर आपने पहले लॉगिन किया तो एप्लीकेशन की आपने डिटेल सबमिट करनी है, वीज़े के लिए पेमेंट करनी है और अप्लाई कर देना है। तो तकरीबन आपको वेट करना पड़ेगा 20 से 21 दिन में, $30 में आपको वीज़ा मिल जाएगा घर बैठे। तो ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।